नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। दिल्ली में 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है तापमान, कई राज्यों में अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में हीट वेव चलने का पूर्वानुमान। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, ने कहा सभी को दी जाए बूस्टर डोज। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक आजादी के नाम पर ना हो मनमानी, धर्म या मजहब दूसरों को कष्ट देने के लिए नहीं। भारत में बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 3000 के पार हुए मामले, एक्टिव केस भी बढ़े। एनपीआर में जन्म मौत और प्रवास को अपडेट करना जरूरी, दिल्ली में गृह मंत्रालय ने सालाना रिपोर्ट में दी जानकारी। विषयों पर परहेज। दिल्ली में बिल्किस बानो मामले में 15 साल सजा काट चुका कैदी, समय से पहले रिहाई के लिए पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अब फंसा पेच। दुनिया की खाद्य सुरक्षा पर यूक्रेन, युद्ध की बमबारी, हिंसा भड़काने का खतरा, अफ्रीकी देश सर्वाधिक प्रभावित। दिल्ली में राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा तीखा सवाल, 36 साल सजा भोगने वाला क्यों नहीं हो सकता रिहा। पीएम मोदी ने असम में किया कैंसर अस्पताल का उद्घाटन, बोले जब जब आने का मौका मिला आपका भरपूर प्यार मिला। सरकार ने किया आगाह, मई जून में होगी रिकॉर्ड बिजली की मांग, कोल इंडिया ने भी संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाई। दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्र की सुप्रीम कोर्ट में अपील, कहा मुद्दे को समग्र व्याख्या के लिए संविधान पीठ के पास भेजें। हाथी खुराक के बीच के अंतर को 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर सकती है सरकार। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार तो पीएम मोदी ने किया सतर्क, दिल्ली में 1367 नए मामले, केरल और गोवा ने उठाए कदम। दिल्ली में कैबिनेट के फैसले के तहत 6 महीने में 60,000 करोड़ उर्वरक सब्सिडी देगी सरकार, पीएम स्वनिधि योजना 2024 तक बढ़ी। मथुरा में कड़ी सुरक्षा के बीच सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा, जनपद के 31 केंद्रों पर आयोजित हुई प्रतियोगिता। अलीगढ़ में सभासदों ने किया प्रदर्शन, बोर्ड मीटिंग में सभासदों ने लगाया आरोप, चेयरमैन पर लगा विकास न करने का आरोप। अलीगढ़ में हॉकी ग्राउंड में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, मौके पर पहुंची एएमयू प्रशासन। पानी की किल्लत से महिलाएं परेशान, महिलाओं ने रोड पर लगाया जाम, जाम को खुलवाने में जुटी पुलिस। गोरखपुर में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई, क्लर्क को
को रिश्वत लेते दबोचा, भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई। कानपुर में भूमाफियाओं का काला खेल, ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा, जिला प्रशासन ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। मथुरा में चेकिंग अभियान में बड़ी सफलता, दो शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी के चार मोबाइल फोन और 3,500 की नकदी हुई बरामद। मथुरा में स्वास्थ्य मंत्री की राह पर अधिकारी, जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण पर एड़ी निरीक्षण से अस्पताल में मचा हड़कंप। आग ने मचाई तबाही, शॉर्ट सर्किट से फटे सिलेंडर, हादसे में मकान के सभी लोग सुरक्षित घर से बाहर निकले। रायबरेली में बोर्ड परीक्षा के प्रैक्टिकल में धड़ल्ले से हो रही नकल, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। संभल में त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट, पीस कमेटी की बैठक का आयोजन, जनपद के सभी धर्म गुरु रहे मौजूद। उच्च सदन में लगातार मजबूत हो रही भारतीय जनता पार्टी, अब भाजपा को मिलेंगे 3 और विधान परिषद सदस्य। लखनऊ में दिव्यांगजनों के विशेष विद्यालयों में होंगे स्मार्ट क्लासेस, प्रदेश के विकास में भागीदारी बनाने के लिए सरकार कर रही विशेष इंतजाम। बीएचयू के महिला महाविद्यालय में वाइस चांसलर के रोजा इफ्तार में शामिल होने पर बवाल, वाराणसी में छात्रों ने पुतला फूंका। प्रदेश में मिलेगा इको टूरिज्म का बढ़ावा, जल्द गठित होगा इको पर्यटन विकास बोर्ड, पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी जानकारी। प्रयागराज में दीपक और सगे भाई समेत 5 के खिलाफ मुकदमा, घटनाक्रम की तहकीकात जारी। पर्दाफाश, मरीज को निजी अस्पताल भेजने का चैट हुआ वायरल। लखनऊ में अभी तक नहीं लगवाई हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट, तो हो जाए सावधान, 15 मई के बाद लगेगा भारी जुर्माना। यात्रियों के लिए अच्छी खबर, लखनऊ से आनंद विहार के लिए 1 मई से दौड़ेगी एसी डबल डेकर ट्रेन। फराटा दौड़ की नई सनसनी, बुलंदशहर के एथलीट आशीष राणा ने 10:77 सेकेंड में पूरी की 100 मीटर की रेस। बीएचयू, जेएनयू और एएमयू समेत केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए अब सीयूईटी, 12वीं के परीक्षार्थी भी भर सकते हैं फॉर्म। अमेरिका से आईआईटी पहुंचा वायरस प्रोफेसर और उनकी पत्नी संक्रमित, सभी संक्रमित स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखे गए। शामली में थाने के बगल में ही पूर्व सभासद के बेटे की गोली मारकर हत्या, मृतक के चाचा ने दो लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। लखीमपुर में बीएसए की बड़ी कार्रवाई, 20 छात्राओं को बंधक बनाने वाली 2 शिक्षिकाओं की सेवा समाप्त। विवाहिता को मारपीट कर पति ने मुंबई से भगाया और खत में लिखा 3 तलाक, लखनऊ में मुकदमा किया गया दर्ज।
स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने पर रोक। सीएम योगी ने कहा आस्था कपूर सम्मान पर भांडा प्रदर्शन स्वीकार नहीं। अखिलेश यादव पर चाचे शिवपाल यादव का पलटवार, कहा भाजपा में भेजना है तो मुझे सपा से निकाल दो। यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई, बिना अनुमति लंदन घूम रही आईपीएस अधिकारी अलंकृता सिंह सस्पेंड। आदेश नहीं मानने पर होगी कड़ी कार्रवाई। बांदा में रिटायर्ड डीआईजी की भाजपा जिला पंचायत सदस्य बहू का शव, फंदे से लटका मिला शराब का आरोपी पति लापता। उत्तराखंड के जंगलों में आग का तांडव, आबादी क्षेत्रों को खतरा, सेना भी आग बुझाने में। उत्तराखंड में अन्य राज्यों से आने वालों की कोरोना जांच की तैयारी, जल्द जारी की जाएगी एसओपी। सीएम धामी बोले समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। पुष्पा सिंह धामी रुद्रपुर में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जंगल जला, उतना तीन फायर सीजन में नहीं जला है। 17 दिनों के भीतर आग ने चौथी बार रिकॉर्ड बनाया। देहरादून में फिर बढ़ने लगा कोरोना संक्रमण, मास्क न पहनने पर 1000 रुपए तक लगेगा जुर्माना। ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण को बनेगी नीति, शासन ने पंचायती राज निदेशालय को नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के दिए निर्देश। देहरादून में अवैध निर्माण पर एमडीडीए की कार्रवाई, 32 निर्माण सील, 27 बीघा अवैध प्लास्टिक। बिजली कटौती से मिलेगी राहत, 1 सप्ताह के भीतर दूर हो जाएगी बिजली संकट की परेशानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भड़काऊ भाषण मामले में काली सेना के संयोजक दिनेश नंद गिरफ्तार। ऋषिकेश में ससुराल पहुंचा युवक ने किए हवाई फायरिंग, इसके बाद खुद को किया कमरे में बंद, पुलिस ने हिरासत में लिया। सामूहिक दुष्कर्म मामले में पीड़िता के परिवार को सुरक्षा फरार, आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। आठ इनामी बदमाशों को पकड़वाने में मदद करने वालों को अब 25 की जगह 50,000 मिलेंगे। उत्तराखंड में 2 आईएफएस निलंबित, कॉर्पोरेट निर्देशक को भी अटैच किया, निर्देशक राहुल को भी वन विभाग के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। जंगल की आग ने भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन को किया प्रभावित, तो वैज्ञानिकों के शोध में सामने आई बातें। सिंगापुर में कोरोना टीकाकरण के बारे में झूठ बोलने पर भारतीय मूल के 2 पुरुषों को जेल।
ऐतिहासिक संबंध की निशानी खत्म कीव ने अपने हाथों से किया था। संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी शारी बलोच, जिसने दिया कराची यूनिवर्सिटी के आत्मघाती बम धमाके को अंजाम। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में काम कर रहे चीनियों और अन्य विदेशियों की सुरक्षा के लिए करेंगे योजना तैयार। चीनी ड्रोन कंपनी DJI ने रूस और यूक्रेन में न बंद किया कारोबार, युद्ध में ड्रोन का दुरुपयोग रोकने को उठाया कदम। पीएम शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा की बढ़ेगी मुश्किलें, 1,400 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने दिया आदेश। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने यूक्रेन में संघर्षों को तत्काल समाप्त करने के अपने आह्वान को दोहराया, कहा समस्या का हल खून बहाना नहीं हो सकता। जापानी दूतावास के 8 कर्मचारियों को किया निष्कासित, कहा पारस्परिकता के सिद्धांत पर की गई कार्रवाई जाने। आत्मघाती हमले के दोषियों के लिए चीन ने की सजा की मांग, बलोच महिला ने 4 को उतारा था मौत के घाट। पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बने बिलावल भुट्टो जरदारी, अटकलों पर लगी विराम। रिलायंस के वाईकॉम 18 में 1.8 अरब डॉलर का निवेश करेंगे जेम्स मर्डोक और उदय शंकर। वॉशिंगटन में एलन मस्क ने ट्विटर के बाद अब कोका कोला को खरीदने का किया ऐलान, कहा ट्विटर को बनाएंगे और मजेदार। मेक इन इंडिया ने पकड़ी रफ्तार, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के निवेश में 460% की बढ़ोतरी। DJI ने रूस और यूक्रेन में बंद किया कारोबार, ड्रोन के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया कदम। भारतीय रिजर्व बैंक चरणबद्ध तरीके से लॉन्च करेगी डिजिटल करेंसी, प्रायोगिक स्तर पर पहले थोक ग्राहकों को मिलेगी इसकी सुविधा। IPO सेबी के पास जमा कराए दस्तावेज, तीसरी बार ऑफर लाने की कोशिश। दिल्ली में रेलवे में जरूरत वाले काम में लाए जाएंगे अनावश्यक पदों पर तैनात कर्मचारी, जरूरत पड़ने पर कुछ काम को आउटसोर्स करने का भी दिया निर्देश। मई की शुरुआत में ही 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, इसी महीने निपटा ले जरूरी काम, छुट्टियों की वजह से वीकेंड भी शामिल है। दिल्ली में पॉलिसी होल्डर को हर शेयर पर मिलेगी 60 रुपए की छूट, 2 मई से कर पाएंगे आवेदन, सरकार ने प्राइस बैंड दोबारा रिवाइज कराया। इंडोनेशिया से जारी रहेगा कच्चे पॉम तेल का आयात, निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी के चलते क्रूड पॉम ऑयल महंगा मिलेगा। हार्दिक पांड्या का खुलासा, हैदराबाद के खिलाफ आखिरी ओवर में करने वाले थे बड़ा काम, कोच आशीष नेहरा ने रोका। रात की रोमांचक जीत के बाद बदली अंक तालिका, दूसरे स्थान पर फिसली राजस्थान।
शाहिद आफरीदी ने बताया क्यों हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट की खराब हालत, सुधार के लिए बताई गई बात। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में भारतीय टीम को मिल सकती है बायो बबल से राहत। मुंबई के कोच जयवर्धन ने की मांग, गलती सुधारने के लिए मांग की गई है जिससे गलती को सुधारा जा सके। राशिद और तेवतिया ने दिलाई गुजरात को रोमांचक जीत, आखिरी ओवर में चढ़े 4 छक्के। बेन स्टोक होंगे इंग्लैंड के नए कप्तान तो गैरी गुडरसन संभालेंगे कोच की जिम्मेदारी। हार के बाद बैंगलोर के स्टार हर्षल पटेल ने दिखाया एटीट्यूड, नहीं मिला युवा खिलाड़ी रियान से हार। बैंगलोर को हराकर राजस्थान पहुंची टॉपर, धवन ऑरेंज कैप की रेस में शामिल। साथी आरपी सिंह ने कहा विराट कोहली को ब्रेक दे दो वरना टीम से बाहर करना पड़ सकता है। हिंदी भाषा विवाद पर अजय देवगन को छोड़कर सुदीप के सपोर्ट में आए राम गोपाल वर्मा, कहा नॉर्थ के एक्टर साउथ एक्टर्स से चलते हैं। बॉलीवुड के सुल्तान को रॉकी भाई ने चटाई धूल, टॉप 3 में शामिल हुई केजीएफ। शाहरुख खान को मिली गुजरात हाईकोर्ट से राहत, रईस के प्रमोशन के दौरान हादसे में हुई थी एक शख्स की मौत। हीरोपति 2 के रिलीज से पहले पहुंची टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया, मां की दुआ चढ़ाए फूल। मुंबई में रामचरण को देखते सड़क पर उमड़ा फैंस का हुजूम, जमकर हुई धक्का मुक्की। बिना किसी विजुअल आमिर खान ने सुनाई अपनी कहानी, रिलीज लाल सिंह चड्ढा का पहला गाना। शिवम शर्मा के बाद क्या दी मुनव्वर फारूकी को मिली फिनाले में एंट्री, कई कंटेस्टेंट को दी मात। मुंबई में रूपाली गांगुली ने दिखाई अनुपमा अनुज के सगाई की पहली झलक, खुशी में झूम उठे फैंस, बोले नजर ना लगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से बोर हो रहे हैं दर्शक, सोशल मीडिया पर बोले कॉमेडी दिखाओ ज्ञान नहीं। हॉलीवुड के लिए ऑडिशन देकर फेल हो चुके हैं टाइगर श्रॉफ, करना चाहते हैं बाहर की फिल्मों में काम। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।